खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। इस वक्त में हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से सैमुएल नबी की दूसरी किताब के छठे बाब से नौवें अबवाब का मुताला अपने लिए करें। इन अबवाब के अंदर खुदा के संदूक को यरूशलेम में लाकर रखा जाना, मीकल का दाऊद पर तंज करना, खुदा का दाऊद से वादा, दाऊद की दुआ, उसकी फतह, इन बातों का जिक्र मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम सैमुएल नबी की दूसरी किताब के सातवें बाब की 16वीं आयत पर खसूसियत से गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा, आमीन। दाऊद इसराइल की तारीख का अजीम तरीन बादशाह था। उसको ये अजमत अपनी किसी खास खूबी की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के अहद का ये वादा पूरा करने के लिए नसीब हुई थी कि तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। खुदा का दाऊद से ये वादा था, और ये वादा इस बात की जमानत था कि एक रोज़ वो अपना रास बादशाह यानी मसीह भेजने वाला था। ये वादा यीशु मसीह इब्ने दाऊद में पूरा हुआ, और मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में इस बात का जिक्र मिलता है। मरियम को, जो दाऊद की नस्ल से थी, खुदा का फरिश्ता दिखाई दिया जिसने उससे यीशु की बाबत वादा किया कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। जब कोई मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करता है तो वो खुदावंद उसके दिल पर हकूमत करने लगता है। मुकाशवा की किताब के सतारवें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आकर उसके साथ बादशाही करेंगे। इस मुताला में जो खास बात हमारे सीखने के लिए है वो ये कि इंसान का जहन जिस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मसीह को खुदावन और निजात दहिंदा मानने से वो कैसी कैसी बरकत को हासिल कर सकता है, खुदावन वो सब कुछ हमारे लिए मुहैया करता है। मसीह को खुदावन और निजात दहिंदा कबूल करने वालों के लिए आसमानी बादशाही में कैसी बड़ी बरकतें तैयार की गई हैं उनके लिए जो मसीह पर ईमान लाते हैं। अगर आप या आपके ख़ानदान, दोस्तों, अजीज़ों, अकारब में कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक मसीह को अपना निजात दहिंदा